ना सरप्राइज रहा, ना प्लान रहा, ना देहरादून रहा, तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसा क्या रीजन था जो इन्होंने देहरादून से ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट करनी पड़ी इंडियन वेटरन क्रिकेट लीग IVPL की? ऐसा क्या ही हुआ भाई, इसके पीछे रीजन क्या है? तो भाई ये ब्लॉग में आज तुम्हें बताने वाला हूँ। तो भाई मैं आज के ब्लॉग में ना ये बताने वाला हूँ कि जो ये लीग थी इंडियन वेटरन्स क्रिकेट लीग IVPL, ये देहरादून से नोएडा क्यों शिफ्ट हुई, ग्रेटर नोएडा क्यों शिफ्ट हुई, क्या रीजन थे इसके जो देहरादून में नहीं हुआ और ग्रेटर नोएडा में एकदम शिफ्ट कर देगा एट द मोमेंट। तीन दिन पहले हो गई, क्योंकि 23 तारीख से चालू है ना, तो भाई 20 को खबर आई थी। तो 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ, यो वहां पे पहले इतने हो रहे थे कि भाई देहरादून में ही करना है, देहरादून में करना है, देहरादून में करना, लेकिन भाई एट द मोमेंट ऐसा क्या बातचीत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो भाई ऐसा क्या रीजन था जो इन्होंने देहरादून से ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट करनी पड़ी इंडियन वेटरन क्रिकेट लीग IVPL की? ऐसा क्या ही हुआ भाई, इसके पीछे रीजन क्या है? तो भाई ये ब्लॉग में आज तुम्हें बताने वाला हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई सीन ये है कि मेरे को ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जो लीग अभी जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में होने वाली है उसके लिए मेरे को पैकिंग करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मैंने फोन करके कॉल करके पूछा था वैभव से कि भाई अब जब जाके देहरादून में नहीं हो रही, ग्रेटर नोएडा में लीग हो रही है, तो भाई पैकिंग करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि 10-12 दिन का इवेंट है, तो बताओ भाई उस हिसाब से पैकिंग। तो उस बंदे ने मेरे को बताओ क्या कहा कि भाई अभी तो मेरे को भी नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा तो मैं बताता हूँ। वैसे तो लोकल में ही है, हम घर के घर ही हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई अभी तक मैंने कुछ पैकिंग वैकिंग तो करी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे ऐसा होगा कि भाई पैकिंग करनी है। तो ऑलरेडी मेरा बैग पैक है, ऑलरेडी जब मैं पौंडीचेरी से आया था तो वैसी का वैसी बैग मैंने पैक करके वैसी का रख रखा, उसको मैंने कोई ऐसा अनपैकिंग या कुछ ऐसा कुछ करी नहीं थी, वैसे का वैसे ही बैग मेरा पड़ा हुआ है। तो बस उसमें से थोड़े बहुत कपड़े निकाल के, जो नए कपड़े हैं, जो मतलब जैसे सर्दियाँ तो अभी जा रही है ना, तो सर्दियों वाले थोड़े जैकेट वैकेट निकाल के एक आध जैकेट रख लूँगा ताकि PCR में पहनने के लिए काम आ जाए, वरना PCR में तो भाई ठंड टेम्परेचर इतना होता ना, इतना टेम्परेचर, क्योंकि AC चलता है, ठीक है, अब मशीनों को AC की जरूरत तो होती है, जो अंदर जो हम PCR ब्रॉडकास्ट का जो पूरा सेटअप लगता है उसमें AC तो चलता ही चलता है, विदाउट AC नहीं चलता, क्योंकि मशीनें को AC चाहिए होता है, उनको ठंडक चाहिए होती है, अगर ठंडक नहीं मिली मशीनों को तो भाई मशीनें बैठ जाती हैं, मतलब लेट जाती है पूरी पूरी। तो उसके चक्कर में ये भी सीन है, और फिलहाल तो यही है कि भाई अभी तक मैंने कुछ पैकिंग वैकिंग तो नहीं करी है, अभी जब होगी पैकिंग जब देखेंगे, बट मेरा बैग पैक है ऑलरेडी। और भाई सीन ये भी है, जैसे कि मैंने आपको ना कल बताया था कि देहरादून में मैच क्यों नहीं हो रहा, कि पिच की खराबी की वजह से, फ्लड लाइट की वजह से, और सीन ये भी है वहाँ पे कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी है इनके आपस में, इनका आपस में कोई लड़ाई वड़ाई या कुछ इशू या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी ये सीन है कि वहाँ पे नहीं मैच हो रहा है देहरादून में। वरना देहरादून का जो इंटरनेशनल स्टेडियम था, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का, वो सिर्फ ऐसी रह गया है, वहाँ पे तो कुछ मैच वैच होते नहीं है, बस वो छोटी छोटी लीग जो होती है। तो सीन ये है, और बाकी तो कुछ होता नहीं है उधर देहरादून में, तो कोई मैंने सुना भी नहीं कि भाई उधर कुछ मैच या इंटरनेशनल मैचेस या कुछ ऐसी लोकल मैचेस या रणजी ट्रॉफीज या कुछ भी डोमेस्टिक मैचेस कुछ ऐसे होते हो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सुना है कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता है। और जो ये नोएडा वाला जो क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पर अभी लीग के मैचेस होंगे, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं सुना कि यहाँ पे कुछ होता होगा कि क्या है क्या नहीं, बट ये है कि भाई उनको एक लीग करानी थी क्योंकि डेट फाइनलाइज हो चुकी थी, प्लेयर्स भी आ चुके थे, तो प्लेयर्स भी ऑब्वियसली आ ही चुके हैं, क्योंकि भाई 23 तारीख को अगर स्टार्ट होने ही है ये लीग इंडियन वेटरन्स क्रिकेट लीग, तो ऑब्वियसली भाई प्लेयर तो पहले ही आ जाएंगे ना, वार्म अप करना चालू कर देंगे, अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तो उनका खर्चा रहना ये सब चीज़ें तो उसको देखते हुए तो भाई इन्होंने लीग तो करानी थी, उसकी वजह से फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा शिफ्ट किया। लेकिन ग्रेटर नोएडा पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ पे कुछ मैचेस होते होंगे कि नहीं है, कुछ नहीं होते, सब ऐसी है। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ग्रेटर नोएडा जाऊँगा स्टेडियम, तो मैं आपको एक स्टेडियम का टूर मैं आपको दूंगा कि कैसे वहाँ का स्टेडियम है क्या है। बट जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है वहाँ का जो स्टेडियम है वो सिर्फ जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 8,000 लोगों की है, 8,000 की सिटिंग कैपेसिटी वहाँ के स्टेडियम की, बाकी तो यार
जाके पता चलेगा क्या था क्रिकेट स्टेडियम में, क्या है क्या नहीं है, वहां जाके ही सब कुछ चीजें पता लगेंगी। बट फिलहाल तो यही सिचुएशन है कि भाई देहरादून से हटकर ग्रेटर नोएडा में अपना क्रिकेट लीग हो रही है, इंडियन वेटरन्स क्रिकेट लीग। भाई मैंने भी कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही लिया था कि देहरादून जाऊंगा, तो सबसे पहले तो प्लान मैंने ये बनाया था कि देहरादून जाऊंगा ना सबसे पहले अपने दोस्त से मिलूंगा, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं जो कि मैं उससे मिला नहीं, वो मेरे से मिलने, वो भी कहता रहता कि भाई जब आएगा तो बताइए, आएगा तो बताइए, लेकिन उसका भी दिल्ली आना होता नहीं ना मेरा देहरादून जाना होता है। तो कॉलेज के बाद से तो हम कभी मिले नहीं, वो मेरा कॉलेज का दोस्त है, तो कभी कॉलेज के बाद से तो हम मिले ही नहीं, क्योंकि वो देहरादून चला गया था अपने पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर करा के, हम तो हम दिल्ली के दिल्ली में रह गए थे। तो सीन ये भी है, तो प्लान सारे का सारा प्लान उसको ऐसे कैसे कि मैंने सोचा था कि सरप्राइज दूंगा अपने दोस्त को, बट ना सरप्राइज रहा, ना प्लान रहा, ना देहरादून रहा, तो कुछ भी नहीं रहा, दिल्ली के हैं तो दिल्ली में ही रह गए हम लोग, ये सीन है भाई। भाई चाय बन गई है, चाय पीते हैं। अभी सिर्फ मैंने अपनी मम्मी जी के लिए और अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि पापा तो है नहीं ना, तो इसलिए अभी मम्मी और मैं ही पी रहे चाय। मेरे को तो वैसे ही भूख लगी थी, मैंने चलो ठीक है आज चाय बना के कुछ खा लेते हैं, बिस्किट बिस्किट, तो चाय पीते हैं। तो भाई इनका जो मेन रीजन है ना कि मतलब देहरादून में जो लीग नहीं हो रही है, वो मेन रीजन ये है कि भाई इनकी गवर्नमेंट और मतलब उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है और जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो भी इनकी आपस की जो भी बातचीत हुई, तो वो शायद कुछ बनी नहीं या कुछ हुआ नहीं, तो इसकी वजह से मेन रीजन है कि देहरादून में ये लीग नहीं हो रही है, तो इसलिए ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट कर दी गई है। बाकी तो सब वो कहने की बातचीत होती है यार कि मतलब पिच तैयार नहीं है, ग्राउंड की परमिशन नहीं है, फलाना ढिमकाना। जब वो देहरादून वाला जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो बीसीसीआई की मतलब क्या कहते हैं उसे, मान्यता, बीसीसीआई की मान्यता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मैचेस वगैरह नहीं खेले गए हैं, ना इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, ना डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं देहरादून के अंदर। तो पता नहीं किस बात की मान्यता है, किस बात का क्या है, लेकिन उसका कुछ मेंटेनेंस तो कुछ रखा नहीं गया उधर, तो समझ में नहीं आता क्यों देहरादून का स्टेडियम बनाया गया है, किस मारे के बनाया है, क्यों है वो स्टेडियम। तो मेन रीजन यही है कि मतलब शायद गवर्नमेंट, और शायद तो मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा कंफर्मेशन तो वो भी नहीं है, बट शायद इनका यही है, क्योंकि जहां तक मेरे को सुनने में या पढ़ने पे मिला है, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको। तो यही है मेन रीजन कि गवर्नमेंट और इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो इनकी कुछ आपस में कुछ बनी नहीं, तो इसकी वजह से ये देहरादून में लीग नहीं हो रही है, इंडियन वेटरन्स प्रीमियर लीग, तो उसकी वजह से ये ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट कर दी गई है पूरी की पूरी लीग। सेम टाइम पे चालू होगी, सेम डेट पे चालू होगी, सेम मैचेस हैं, जितना शेड्यूल था 23 तारीख से जहां तक आगे तक 3 या 4 तारीख तक जो भी शेड्यूल है, तो उतना ही है, 10-12 दिन का शेड्यूल है, बट ये वेन्यू चेंज हो गया बस, और तो कुछ नहीं, बस ये रीजन है। बाकी यार बैग पैक करना बाकी है मेरा, अभी बैग पैक करने का मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि बैग पैक करना है नहीं करना, बट कल का मैं वेट करता हूँ, बट सेफ असाइड के लिए मैं कल बैग पैक कर लूंगा अपना। बाकी अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी मिलता आपको कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में, बाकी बाय और गुड नाइट।